दिस इज अभिषेक मिश्रा। तो यार इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के कंप्लीट स्टडी मटेरियल यार अपलोड हो चुका है। इस पूरे स्टडी मटेरियल में कौन सी सारी चीजें हैं, किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है, उसके बारे में एक बार आप समझ जाओ, उसके बाद जाकर के आप सभी चीजों को डाउनलोड कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीजों का लिंक गिवन है, मैं आपको अभी समझा दूंगा यार किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है, कौन सी सारी चीजें, किस तरीके से आपको पढ़ना है, ताकि हम इस चैप्टर को अच्छे खासी तरीके से कम्प्लीटली फिनिश कर सकते हैं। तो देखो यार, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुल मिलाकर के 5 PDF यार मिल जाएंगे। सबसे पहला PDF यार आपका है कंप्लीट डिटेल नोट्स का, क्लास 12 के फिजिक्स का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का कंप्लीट डिटेल सिंथेसाइज नोट है। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, सारी चीजों का यार उसमें वेल कवर्ड है। अब पढ़ना किस तरीके से है मैं वो आपको समझा देता हूँ। आपको ये नोट्स लेने हैं, डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट करना है, अपने सामने रखना है, साइमल्टेनियसली आपको अपने साइड में एनसीईआरटी को भी रखना है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी टॉपिक इसमें समझ में ना आए तो आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, साइमल्टेनियसली दोनों को कवर करते हो, तो आसानी से आप पूरी तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है एट द एंड ऑफ द नोट आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। वहां पर मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स वहां पर लिख रखे हैं। डायरेक्ट आंसर यह गिवन है, कोई भी क्वेश्चंस वहां पर गिवन नहीं है, पॉइंट वाइज चीजों को प्रेजेंट किया गया है, तो आपको समझने में भी आसानी होगी। पॉइंट सिर्फ वहां पर लिखा गया है, आपको उन पॉइंट्स को जरूर पढ़ के जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया होगा, कई सारे WH वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो उनके सॉल्यूशंस जो है मैंने वहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो उन पॉइंट्स को आपको पढ़ के जरूर जाना है, रट लेना है, अपने दिमाग में छाप लेना है, क्योंकि उनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। फ्रीक्वेंटली उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने पहले नोट्स को कवर कर लिया, सिंथेसाइज प्ले में आपने पूरे चैप्टर को कवर कर लिया, लेकिन फॉर एग्जाम्पल उन चीजों का नोट्स में भी प्रेजेंट किया गया, लेकिन गलती से भी वो आपसे ना छूट जाए, इसलिए मैंने यार उनको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर करके हेडिंग करके एक सेपरेट सेक्शन में आपको रिप्रेजेंट किया गया है, तो उसको पढ़ के आपको जरूर जाना है। उसके बाद यार आपको नीचे फॉर्मूला लिस्ट और इंपॉर्टेंट ग्राफ्स मिल जाएंगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर से जितने भी फॉर्मूला है उनको लिस्ट आउट किया गया है, इस पर्टिकुलर चैप्टर से जितने भी ग्राफ्स आ सकते हैं सबको रिप्रेजेंट किया गया है, तो आपको कंप्लीटली इस चैप्टर को कवर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो आप आसानी से इस तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीटली कवर कर सकते हो। इस नोट्स को लो यार, एनसीईआरटी को लो, साइमल्टेनियसली बैठ करके कवर करो, इस टॉपिक को आप आसानी से कवर कर सकते हो। दूसरा PDF यार आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। एनसीईआरटी सॉल्यूशन से सिर्फ मेरा बैक एक्सरसाइज से नहीं यार, इस PDF में आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और साथ ही साथ में एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन के आंसर भी यहाँ पर गिवन है। न्यूमेरिकल के लिए बैक एक्सरसाइज और एग्जांपल्स को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो यार ये PDF आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन बहुत ही एक्यूरेट है यार, मैं खुद इनको फॉलो करता था, इसीलिए यार आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यार एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यार इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना, कवर करके आपको जाना ही है। थर्ड PDF है आपका डेरिवेशन लिस्ट। डेरिवेशन लिस्ट इस टॉपिक से, इस चैप्टर से जितने भी पॉसिबल डेरिवेशंस हो सकते थे मैंने सबको यार लिस्ट आउट कर रखा है। इंपॉर्टेंट है नहीं है, मैंने वहां पर कोई मेंशन नहीं किया है, जितने भी पॉसिबल डेरिवेशंस थे सबको यार मैंने लिस्ट आउट कर रखा है। अगर आप चाहो सारे के सारे डेरिवेशंस को यार सॉल्व करो, तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चंस को मेंशन किया, उसके बाद जाकर के मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, तो आप अच्छी खासी तरीके से जितने भी पॉसिबल डेरिवेशंस इस चैप्टर से आ सकते थे सबको एक साथ कंप्लीट कर सकते हो। डेरिवेशंस यार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप में से कई सारे बच्चे पूछेंगे कि यार इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कौन से होते हैं वो हमें बता दो, तो यार वो आपको एट द एंड मिलेगा, जब आपके बोर्ड एग्जाम से 15-20 दिन बाकी होंगे उस टाइम पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा यार मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपके एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, तो उसको हम लोग एट द एंड कवर करेंगे। अभी हम सिस्टमेटिकली अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो इन डेरिवेशंस को आपको अच्छे से कवर करना ही है। चौथा PDF यार आपका एनसीईआरटी एग्जांपलर्स। तो एनसीईआरटी एग्जांपलर जो एनसीईआरटी पब्लिश करती है उसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके सॉल्यूशन का भी PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो दोनों को यार डाउनलोड करो, क्योंकि हम लोग यार इस साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करने जा रहे हैं, तो एनसीईआरटी एग्जांपलर को सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए यार अगर आप चाहो तो एनसीईआरटी एग्जांपलर को अच्छे खासे तरीके से इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। क्वेश्चंस भी गिवन है, सॉल्यूशंस भी गिवन है, तो आसानी से आपको समझने में पढ़ने में आसानी होगी। पांचवा PDF यार आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस चैप्टर से जितने भी आए हुए हैं उन सभी को मैंने यार लिस्ट आउट कर रखा है, उन सभी के लिए मैंने सेपरेट PDF बना रखा है। क्वेश्चंस गिवन है, उनके सॉल्यूशंस भी गिवन है, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मैंने उन्हीं को मेंशन किया गया है। क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर पर जंप करने से वो सही तरीका नहीं लगता है, तो इसलिए हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन पर जाने वाले हैं। पर्टिकुलरली इस चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी का मैंने एक PDF बना रखा है, तो आसानी से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करते हुए जाओगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छी खासी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरीके से सारा स्टडी मटेरियल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब सवाल उठता है कि इन सभी चीजों को हम लोग डाउनलोड किस तरीके से करें।
तो इन सभी चीजों को डाउनलोड करने के कुल मिलाकर के चार तरीके हैं। सबसे पहला मेथड है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक्स यार मिल जाएंगे, उन डायरेक्ट लिंक्स पर यार क्लिक करो, आपके सामने पीडीएफ खुल जाएगा, उन पीडीएफ को डाउनलोड करो, पढ़ना शुरू करो। लेकिन बाय चांस यार वो पीडीएफ ना खुले तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे वेबसाइट का लिंक यार मिल जाएगा, वहां पर भी जाकर के आपको एक पर्टिकुलर पेज में इस चैप्टर से जितने भी मटेरियल है सबको सिंथेसाइज में अरेंज करके दिया गया है, आप चाहो तो यार वहां से भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। तीसरा मेथड है, अभी आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक दिख रहा होगा, वहां पर भी यार ये सारे के सारे नोट्स यार अपलोडेड है, सारे के सारे मटेरियल जितने भी मटेरियल्स हैं सारे के सारे चीजें वहां पर यार अपलोडेड है, तो आप जाकर के वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप मेरे इंस्टाग्राम पेज से भी इन सभी चीजों को डाउनलोड कर सकते हो। चौथा मेथड है, अभी आपको स्क्रीन पर मेरे फेसबुक पेज का लिंक दिख रहा होगा, वहां पर भी जाकर के आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, ये सारे के सारे मटेरियल वहां पर भी अपलोडेड हो जाएंगे। इन सभी चीजों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आराम से जाकर के इन सभी चीजों को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को इस तरीके से हम लोग कंप्लीटली कवर आउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा है, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपको इन मटेरियल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो यार अभी आपको एक ईमेल दिख रहा होगा, इस ईमेल पर आप मुझे मेल करके अपने डाउट से पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई भी जरूर दूंगा। तो तब तक के लिए चलते हैं।